तो सीधे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको रैंडमली मैं वीडियोस दिखाऊंगा और पूरे थाईलैंड की, जहाँ जहाँ मैं गया था और वहाँ के रेट्स आपको बताऊंगा। तो बाद में ये मत बोलना कि कहीं से कहीं पहुँच गया अचानक से। ये है थाईलैंड का लोकल टुक टुक, रिक्शा, टैक्सी, जो भी बोल लीजिए, आपको बहुत कॉमनली थाईलैंड में मिलेगा। और जब भी आप इसमें बैठने के लिए जाएंगे, ड्राइवर से रेट पूछेंगे, तो आपको देखते ही डबल से ट्रिपल रेट मांगेगा, बिकॉज उनको देखते ही पता चल जाता है कि आप टूरिस्ट हैं। तो आपको नेगोशिएट करना है, लाइक 50 बाट आपसे मांगे तो आपको 25 ही देने हैं उसके, बिकॉज इतना ही लगता है। वो टूरिस्ट देख के डबल बोल देते हैं। उसके बाद ये बस, अगर आप बैंकॉक में लैंड कर रहे हैं और आपको पटाया जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ये बस ले सकते हैं 150 बाट की, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्सी फॉर 1200 या 1300 बाट की। अगर आप क्लब में जाते हैं, क्लब में आपको फ्री एंट्री मिलेगी हर जगह, बट अगर आपको टेबल चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, और ये पब्स बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। यह है लोकल 7-Eleven शॉप, जो आपको बहुत कॉमनली थाईलैंड में मिल जाएंगी हर जगह पे। हर 100-200 मीटर पे आपको ये शॉप मिलती है 7-Eleven, और ये 24/7 खुली रहती हैं। तो यहाँ के रेट्स आप देखिए क्या। ये नॉर्मल वाला जो होता है ये 30 रुपये का आता होगा, यहाँ 30 बात का है लगभग 50-60 रुपये का। यहाँ रेट चीज इसके बहुत ज़्यादा है, और इसे कोल्ड ड्रिंक है, ये 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 27 बात की है, 27 बात का हो गया वो 70-80 रुपये, जो अपने यहाँ 40 रुपये तक की मिल जाती है, 40 या 60 रुपये तक की। ये 42 के 2 लीटर रुपये की, 42 कितना हुआ, 42 कितना हुआ, 100 रुपये तक की। तो रेट ज़्यादा है, बाकी सब अच्छा है। और यहाँ पे नॉर्मल वेज मैगी, आपको वेज मैगी नहीं मिल रही यहाँ बिल्कुल। हम आ गए हैं लोकल स्ट्रीट थाईलैंड की, ये पटाया बीच के पास है, और यहाँ पे लोकली आपको कुछ रेट्स बताता हूँ चीज़ों के, लाइक फ्रूट्स के और सब्जियों के और सोविनियर्स के। हाउ मच इज बनाना, 40 बात, 40 बात के 4 केले, एन ऑरेंज हाउ मच, 100 वन के जी 130, ओके 150 रुपये के बाट के ये है, ये छोटे वाले 100 रुपये के हैं, तरबूज 50 बाट बहुत बहुत 40 के 4 के जी 130 रुपये, संतरा है 130। हाउ मच फॉर दिस, 100 100 वाट के 4, एंड व्हाट इज द फ्रिज मैग्नेट, इज फ्रिज मैग्नेट ओनली, गर्मी हो रही है, बड़ी गर्मी हो रही है, कुछ पी लेते हैं शेक वेक। कितने का ये, 29 बाट, कॉफी सोडा 24 एंड मिल्क टी एंड ऑल 29 बाट। ये भी 24 के हैं, ग्रीन टी एंड अदर मेन्यू 30, मतलब 25 से 30 बात के आपको ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे इसमें। गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूमिड है इस टाइम यहाँ पे। आपको थाईलैंड की स्ट्रीट्स पे, बैंकॉक में, पटाया में, जहाँ भी यहाँ आपको बहुत कॉमनली इतना नॉनवेज, इतना नॉनवेज देखने को मिलेगा। नॉनवेज में भी बहुत ज़्यादा सी फूड, और सी फूड भी बहुत नॉर्मल वाला नहीं जो इंडिया में मिलता है, यहाँ पे अलग ही तरह का सी फूड है, उसकी स्मेल भी बिल्कुल अलग है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी में, और बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। अगर आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, हम तो खाते नहीं थे, तो देखते देखते हम आगे निकल गए। ये है थाईलैंड का बर्गर किंग, और आप जान के शौक होंगे, बर्गर किंग हो या मैकडॉनल्ड्स हो, यहाँ पे कोई वेज वैरायटी आपको नहीं मिलेगी देखने को। और मैंने बहुत सारे आउटलेट से पूछा, कहीं भी आपको वेज वैरायटी मिली, सब नॉन वेज, एवरीथिंग इज नॉन वेज। ये है बैंकॉक का एक पॉश एरिया, जो नॉर्मल पॉइंट्स से बहुत दूर था, जहाँ मैं एक्सप्लोर करने गया था। ये है मॉल है एक, इस मॉल के अंदर जाते हैं और देखते हैं रेट्स यहाँ के। यहाँ के चिप्स के रेट जो मैंने आपको पहले भी दिखाए, यहाँ पे भी वही मैं चेक करने आया था कि कुछ डिफरेंस तो नहीं है 7-Eleven और यहाँ पे, बट नहीं, यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट
29-30 बाट का ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए लगभग 300-350 रुपये का ही है, और इंडिया में आपको हद से हद 150 रुपये का मिल जाएगा। ये स्प्रिंकल्स हो गए, स्प्रिंकल्स 135 बाट के 450 रुपये का, यहाँ पे आपको 250 रुपये का मिलता है। और हर जगह मेरे ढूंढने के बाद भी मुझे वेज मैगी या वेज नूडल्स कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। तो आई विल एडवाइस आप बहुत सारे आप कप नूडल्स आप लेके जाइए यहाँ से, वेज नूडल्स अगर आप खाते हैं तो, अदरवाइज़ आपको थाईलैंड में तो नहीं मिलने वाले हैं। हमने हर चीज़ का रेट देखा, सब चीज़ें उठा उठा के देखी, सबके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। बियर के रेट बहुत ज़्यादा नहीं थे, बियर के रेट अल्कोहल के रेट बहुत ज़्यादा बेसिक नॉर्मल थे। खाने पीने की चीज़ों के रेट तो बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल। जैसे पानी का ये आप लॉट देखिए, 8 बॉटल्स हैं इसमें, और 8 बॉटल्स का रेट है 172 बाट। कोई इंडिया में इजीली कितने का, 20 रुपये से इंटू कर लीजिए, 8 बॉटल्स 160 रुपये की मिल जाएंगी। यहाँ पे सब्जी फ्रूट्स सबके रेट ट्रिपल, 4 times, 6 times। पपीता यहाँ पे 40-50 रुपये का मिल जाता है, वहाँ पे 100-150 बाट का है। नाउ वी आर एट लोकल स्ट्रीट मार्केट, और ये एशिया का बिगेस्ट स्ट्रीट मार्केट है, तो यहाँ के रेट चेक करते हैं। तो यहाँ के रेट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, 150 की क्वालिटी वाइज ठीक थे, आप ले सकते हैं। और 100 क्योंकि ये 100-100 बाट की और 150-150 बाट की टी शर्ट थी। ये 3 दे रही है, मतलब सिंगल पीस 120 का पड़ेगा, 3 लेंगे तो 150 की। 360 हाउ मच फॉर दिस? 150 लाख। टेकिंग टू मच डिस्काउंट। 3 पीस हाउ मच? 100 400 आई नो यार, इफ आई टेक 3 पीस गिव मी 300। बट मुझे थोड़ी सी वैसी लगी, एक्सपेंसिव लगी, तो मैंने ट्राई किया और भी रेट्स ट्राई किए। मैं दूसरी शॉप में भी गया, वहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा था। जैसे कैब्स के रेट 400 बाट, 300 बाट, बैग्स 1000 बाट, 1500 बाट, ये एक्सपेंसिव शॉप भी होती हैं स्ट्रीट पे। नाउ दिस इज़ समथिंग जो थाईलैंड में बहुत फेमस है, इसको आप बोल सकते हैं क्या, एग वॉफल टाइप। ये एग बनाना वो सब डाल के, ये मैंने नहीं खाया, मेरे फ्रेंड्स ने खाया था, एंड मुझे तो देख के थोड़ा अजीब सा हो रहा था, बिकॉज इतना क्रीमी चॉकलेटी मुझे तो बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने खाया था तो आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा अगर आप खाते हैं तो। वाटर लेमन और ऐसे जूसेस आपको स्ट्रीट पे बहुत मिल जाएंगे, ये आपको 20 बाट 30 बाट 40 बाट तक मिल जाएंगे कहीं भी। और नॉर्मल आइसक्रीम हमें 25-30 बाट की मिलती है, आइसक्रीम 20 रुपए की, 20 बाट की है ना। ये फ्रूट्स है। नाउ वी आर इन MBK मॉल। MBK मॉल में आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ पे बहुत 70% लोकल सामान आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कॉपीज बेसिकली बहुत ज्यादा ओरिजिनल ही मिलता है, बस फर्स्ट कॉपी बहुत डिस्काउंटेड शूज, डिस्काउंटेड शूज डिस्काउंट 70%। हाउ मच ऑफ दिस? 1600। दिस इज अंडर आर्मर 1600, इसमें लगाओ तो 7000 का टैग हुआ है, बट ये 1600 का मिल रहा है अभी। 3100, ये 7000 का 2100 में मिल रहा है, ये 1600 का ये मिल रहे हैं, अंडर आर्मर ही तो लिखा हुआ है। और भी शूज है पर यहाँ पे सब फ्रेश लग रहा है, बाकी सब तो 45% डिस्काउंट ना, इन सब पे सब 45% डिस्काउंट है। जूते अच्छे लग रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस 43 लिखा हुआ है, तो लगभग 2000 के आसपास ही पड़ेंगे सब भी। कौन सा ब्रांड है पता नहीं है यार, ये अब तो बढ़िया रहा है, ये सब भी 45% ऑफ है, इनके भी शूज़ तो पूरे फंकी और बढ़िया है भाई सारे, इधर भी पूरा स्टॉक है। ये भाई आईफोन का कॉपी लग रहा है पूरा लगा के, 5000 बाट का है।
गैलेक्सी का टैब S9 32,000 बाट 4,000 बाट का है ये। फोन 14 1000 बाट लिखा है, कितना लिखा है पता नहीं, पूछता हूँ इसे। यहाँ सोविनियर्स पता करते हैं कितने कितने का क्या प्राइस है। है क्या क्या कम 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 का है थाईलैंड, ये 3 वाट का 69 वाट का है भाई, ये बहुत महंगा महंगा है यार सामान यहाँ पे। एक्चुअली वाटर ओन 70 वाट 60 वाट, अरे महंगे महंगे बहुत हैं यार यहाँ पे थाईलैंड के। ये 200 वाट के हैं, 200 वाट के 4 पीस। सारी फर्स्ट कॉपीज हैं, नाइकी एडिडास न्यू बैलेंस। यार ये तो ओरिजिनल टाइप का लग रहा है बिल्कुल, मेरे पास है बट ये थोड़ा सा ओरिजिनल से अलग है, बट अलग ओरिजिनल रहा पूरा 100% अच्छा है। बट आपको ये सब सामान लेना तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे ठीक ठाक रेट है और बार्गेनिंग अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज आप प्रतनम मार्केट जा सकते हैं जो बॉयकट टावर के पास है, वहाँ भी आपको काफ़ी सामान मिल जाएगा। यहाँ वैरायटी थोड़ी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा एसी एरिया में है, थोड़ा बढ़िया घूमने को है, टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा बहुत चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती है। वहाँ पर थोड़ा अलग माहौल है, थोड़ा बारिश वारिश रहती है तो गीले हो जाते हैं, कल हम गीले हो गए थे, और गर्मी है थोड़ी सी। अदरवाइज ये मार्केट भी बुरी नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। Now we are inside Siam Paragon. ये सबसे ज़्यादा luxurious mall है पूरे Thailand के, समझ लीजिए। I want to see Zara. हर brand मिलेगा। ना भी नहीं है मैंने। तो यहाँ पे मैं basically Zara और H&M के store पे गया था rates difference देखने की, कितना difference है rates में India के Zara में और बाहर के Zara में और H&M में। मुझे बहुत ज़्यादा difference नहीं था, 15-20% का difference फिर भी था, तो मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया, आपको दिखाता हूँ। और साथ ही मैं आपको मैं आईफोन के रेट्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे, और आईफोन प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। उसके बाद DJI स्टोर में जाके आपको DJI स्टोर की चीज़ों के चीज प्राइस दिखाऊंगा, जो इंडिया में नॉर्मल बहुत महंगे मिलते हैं बिकॉज इंडिया में स्टोर नहीं है DJI का, बिकॉज वो चाइनीज कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत फेमस और बहुत अच्छे होते हैं। कुछ भी आपको जैसे ड्रोन वगैरह जितने भी आते हैं, मैक्सिमम 99% DJI के ही होते हैं। वैसे DJI रेट्स आपको बताता हूँ पूरे मॉल में जाके, चलिए देखते हैं। टू लेफ्ट, थैंक यू। DJI लेफ्ट साइड में है फाइनली, पहली बार DJI स्टोर देखूँ क्योंकि इंडिया में तो है ही नहीं, तो यहीं देखना पड़ेगा। इंडिया में तो बयान है कि वो चाइनीज ब्रांड है ये। व्हाट इज द प्राइस हियर, 14 प्रो 36,000 का मतलब हो गया 36,000 × 2.4 का है आईफोन 14 प्रो। DJI भाई फाइनली DJI स्टोर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे मेरे को देखना है कुछ सामान, कुछ सामान या दिखाओ। यार यार महंगा तो बहुत लग रहा है मेरे को, 34,000-35,000 का। मुझे जो देखना था ये DJI मिनी 3 प्रो, मिनी प्रो इज RC 31,000, DJI 3 नॉर्मल वाला लेंगे तो 25,000 का। भाई मैं आ गया हूँ इस Zara स्टोर में, यहाँ पे देखना है मेंस सेक्शन किधर है, यहाँ के प्राइजेस देखते हैं ज़रा एक बार कितना चेंज है, देखते हैं रेट्स, देखते हैं रेट्स। विज मेंस सेक्शन आउटसाइड अपोजिट, ओके। भाई मेंस सेक्शन भी इनका अपोजिट साइड में, इतना बड़ा है वहाँ पे सामने है।
मेन सेक्शन का अपोजिट साइड में और काफ़ी बड़ा हॉल लग रहा है मुझे तो। भाई ये टी शर्ट है, टी शर्ट का प्राइस है 1600 baht, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। 1500 baht ये भी महंगा यार, रेट्स तो मुझे हाई लग रहे हैं सारे। ये शर्ट है 1890 baht, 1200 baht की टी शर्ट है ये, 2100 baht। भाई सामान तो बहुत महंगा है यहाँ पे, 2200 baht के ये सैंडल। अपने यहाँ तो 999 की मिल जाते हैं सेल वाले में, यहाँ तो बाट में है भाई। अब आए तो हमने सोचा H&M का भी देख लें। ये शर्ट है 600, फिर भी रीजनेबली कम है, जैसे टी शर्ट है 400 baht की, वहाँ से तो रीजनेबली कम ही लग रही है मुझे, 350, 400, 500, 250 baht की टी शर्ट है ये 500 baht की है। स्टॉक में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है पर मेरे को 2600-2700 baht की है भाई लेदर जैकेट ये। सब जगह वैसे ऐसी है 800 baht 900 baht, इनको कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया वाले पैसे ही पड़ेंगे, कुछ अलग से कम। सब कुछ दिखाने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ मैं कि खाने पीने की चीज़ें आप इंडिया से लेके जाइए तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत महंगी है खाने पीने की चीज़ें। इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें जो हैं बहुत सस्ती हैं और इंडिया से काफ़ी सस्ती हैं। टैक्सी वैक्सी या मेट्रो, भाई होटल हमारा 2 किलोमीटर पर था तो हमने सोचा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने टुक टुक वाले 300 baht मांगते हैं, 300 baht मतलब कम भी नहीं करते हैं। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर टूरिस्ट देखते ही आपको लूटना चालू कर देंगे और ऐसे अनशन प्राइस लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है।